अच्छा बहुत आसान क्वेश्चन है इसमें क्या दिया है आपको वन फोर्थ ऑफ माई वन फोर्थ ऑफ माई ट्रेल मिक्स रेसिपी ट्रेल मिक्स रेसिपी ओके इज रेजिन्स इज रेजिस् ठीक है Okay and and the rest and the rest is nuts and the rest is nuts full we'll stop three by fifth three by fifth of the nuts three by fifth of the nuts are peanuts are peanuts and the rest are elements and the rest are एलिमेंट्स ओके सो वट यू हैव टू फाइंड यू हैव टू फाइंड वट फ्रैक्शन वट फ्रैक्शन ऑफ माई ट्रेल मेक्स माई ट्रेल मेक्स आर एलिमेंट्स बहुत ही आसान सवाल है फ्रैक्शन निकालना है फ्रैक्शन ऑफ परसेंटेज यू कैन टेक एनी वैल्यू ओके अच्छा पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं ठीक है तो इसमें देखो जो भी रेसिपी है आप ये सोचोगे कि उसमें सौ चीज़ें हैं सपोज देर आर हंड्रेड थिंग्स इन दैट ट्रेल मिक्स रेसिपी ठीक है तो सोल्यूशन में आप इस तरीके से कर सकते हैं लेट 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 देर आर हंड्रेड थिंग्स लेट ट्रेल मिक्स रेसिपी हैज़ हंड्रेड थिंग्स ठीक है कुछ सौ चीज़ें हैं उसमें जिसमें नट्स भी हैं रीजनस भी हैं ठीक है इजिक्वल टू हंड्रेड ले लिया परसेंटेज का सवाल है अब इसमें वन फोर्थ जो है वो रीजन्स हैं तो रीजन्स आ जाएगा कितना आ जाएगा रीजन्स रीजन्स हैं वन फोर्थ सो वन फोर्थ इन टू हंड्रेड कितना आ जाएगा ट्वेंटी फाइव सो इसमें ट्वेंटी फाइव तो रीजन्स है ठीक है पच्चीस रीजन्स हैं एंड द रेस्ट इज़ नट्स तो नट्स कितने जाएंगे बाकी के हंड्रेड में से ट्वेंटी फाइव माइनस कर दोगे कितना आ जाएगा सेवेंटी फाइव तो सेवेंटी फाइव नट्स हैं ठीक है थीके? अब इस नट्स में से वो बोल रहा है थ्री बाई फिफ्थ ऑफ द नट्स आर पीनट्स ठीक है तो नट्स टोटल कितने हो गए सेवेंटी फाइव तो नट्स हैं सेवेंटी फाइव ठीक है इसमें से वो बोल रहा है पीनट्स कितने हैं पीनट्स हैं थ्री फिफ्थ ऑफ नट्स सेवेंटी फाइव so सो फोर्टी फाइव आ जाएगा फोर्टी फाइव पीनट्स हैं और रेस्ट वो बोल रहा है एलमेंट्स हैं तो एलिमेंट्स कितने हैं एलिमेंट्स हैं रेस्ट कितना सेवेंटी फाइव माइनस फोर्टी फाइव यू वील गोइंग टू गेट थर्टी ठीक है ओके तो अब क्या करना है इसमें अब हमसे पूछा कैसे अब आप लैंग्वेज को पकड़ने की कोशिश कीजिएगा ठीक है अब जो भी लैंग्वेज में पूछा है वैसे ही आप उसको लिख लेंगे अच्छा वेदांत के क्वेश्चन मैंने देख हैं, तो वेदांत का क्वेश्चन है एक तो रोम्बस वाला सवाल है वेदांत जो आपके लेवल का नहीं है फुट ऑफ द पर्पेंटिकुलर इज ऑल्सो नॉट ऑफ योर लेवल ठीक है मैं आपको बता सकता हूँ ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है अ person सोल्ड a टेबल गेन ऑफ फिफ्टी Had इट bought फिफ ट्वेंटी फाइव परसेंट लेस सोल्ड इट अच्छा ठीक है हाँ इस क्वेश्चन को कर लेंगे ठीक है ओके okay. ठीक है आपके क्वेश्चन मिल गए वेदांत डोंट वरी ठीक है शुरू के दो क्वेश्चन मैं आपको पर्सनली भेज दूंगा बट इट इज देर इज़ नो यूज टू डिस्कस दो क्वेश्चन ठीक है अच्छा अब आपसे क्या पूछा है ना वट हैज़ बीन आस्ड फ्रॉम यू उस पर आप ध्यान देना जो आपसे पूछा है देखो उस लैंग्वेज को मैं किस तरीके से लिखूंगा उस लैंग्वेज को मैं कैसे उस मैथमेटिकल लैंग्वेज को मैं कैसे सॉरी uh, उस लैंग्वेज को कैसे मैं मैथमेटिकली फॉर्म में मैथमेटिकल फॉर्म में लिखूंगा आपके सामने उसको देखना ठीक है थीके? तो आपसे क्या पूछा गया है आपसे पूछा गया है दैट वर्ट फ्रैक्शन वट फ्रैक्शन उस वर्ट को मैं ले लूंगा एक्स ध्यान से देखना वर्ट फ्रैक्शन उसको मैंने ले लिया एक्स एक्स फ्रैक्शन ऑफ ऑफ माई ट्रेल मिक्स ऑफ माई ट्रेल मिक्स आर एलिमेंट्स आर मतलब इक्वल टू ठीक है एलिमेंट्स इज इक्वल टू एलिमेंट्स ध्यान से देखना इसे तो हमने किसने कितनी अच्छी तरीके से डिकोट कर दिया इसे एक्स ऑफ मतलब होता है इनटू ट्रेल मिक्स कितना लिया था हमने 100 इज इक्वल टू एलिमेंट्स कितना है 30 तो वो फ्रैक्शन एक्स कितना जाएगा 30 अपॉन हंड्रेड जिसको आप 3 अपॉन 10 कह सकते हैं ठीक है जीरो से जीरो काट के 3 अपॉन 10 विल बी द फ्रैक्शन परसेंटेज में निकालोगे सो थर्टी परसेंट आएगा ठीक है